नज़्म नज़्म सा मेरे होंठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सिंपल इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। काफी लंबा चौड़ा नाम है, तो नाम के साथ साथ काम पे भी ध्यान देना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब बटन के पास एक आपको छोटू सा बेल आइकन मिल जाएगा, उसे जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए और टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो। सबसे पहले हम यूज करेंगे टोनर। तो टोनर के लिए मैंने यहाँ पे डाबर का गुलाब जल लिया था, जो कि हमारे फेस को हाइड्रेट करता है और हमारे पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। हम उसे पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे। देन मैंने यहाँ पे छोटू सा पॉन्ड्स मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए। देन मैं अप्लाई कर रही हूँ गुड वाइब्स का रेडिएंट ग्लो फेस सीरम, जिससे हमारे फेस पे ग्लो आ जाता है और एक बटर की तरह फिसलता रहता है हमारे फेस पे। देन मैं अप्लाई कर रही हूँ वैसलीन का लिप बाम अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए। और आज मेरा फेस थोड़ा सा डल लग रहा था, थोड़ा नहीं बहुत डल लग रहा था, पर कोई बात नहीं, मेकअप करने से चमक तो जाएगा ही। देन मैं अप्लाई कर रही हूँ लैक्मे का ब्लर परफेक्ट प्राइमर, जो कि हमारे पोर्स को अच्छे से ब्लर आउट कर देगा और हमारे फेस पे हल्का टिंटेड वाइटनिंग इफेक्ट भी देता है। और मैंने इसमें जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, और इसमें मैंने कोशिश किया कि जितना मैं कम से कम प्रोडक्ट्स यूज़ करके पूरा अपना मेकअप कंप्लीट कर सकती हूँ मैंने किया है। क्योंकि अब जब भी मेकअप लिया करो कम से कम मेकअप लिया करो और उसका यूज़ अधिक से अधिक किया करो अलग अलग तरीके से। तो मैंने इसे अपने फेस पर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। देन मैं NYB का लिक्विड कंसीलर ले रही हूँ और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स में मैंने पहले भी बताया था। और इसे हम अपने आईज को कंसील कर लेंगे और अपने हाइलाइटिंग पॉइंट को हम हाईलाइट करेंगे। और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। देन मैं यहाँ पर लैक्मे का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ अपने कंसीलर को सेट करने के लिए। जहाँ जहाँ हमने कंसीलर अप्लाई किया था उसे हम कॉम्पैक्ट की हेल्प से अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हम करेंगे अपना आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए मैंने SRF का प्रो आई शेडो पैलेट लिया और उसमें से मैंने ये ऑरेंज सा कलर पिक किया और अपने पूरे आईज पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। और बिल्कुल हल्का हल्का मैं अप्लाई करना है ट्रांजिशन शेड के लिए। तो हमारा ट्रांजिशन शेड कंप्लीट हो गया। अगर आप डेली मेकअप करते हो तो आपका आई मेकअप इतना भी बहुत अच्छा लगेगा। देन मैं स्विस ब्यूटी का मेकअप प्रो आई शेडो ले रही हूँ और उसमें से मैंने ये ब्लू सिमरी कलर पिक किया है और उसे मैं अपने आई लिड पर प्लेस करके फिंगर्स की हेल्प से मैं ब्लेंड कर रही हूँ और ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है। और ऐसे ही अपने दोनों आईज में कर लेंगे। देन मैं वेट एंड वाइल्ड का अल्टीमेट आईब्रो किट ले रही हूँ और उसमें से मैंने ब्राउन और ब्लैक कलर मिक्स करके और अपने आईब्रोज को फिल कर लिया है और मैं बिल्कुल नेचुरल आईब्रोज फिल कर रही हूँ। देन एक स्पूली की हेल्प से हम अपने आईब्रोज को सेट कर लेंगे। और अब हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए मैंने मेबलिन फिट मी का वार्म न्यूट फाउंडेशन लिया है इन दिस शेड 28, जो कि मेरे फेस से मैचिंग है। और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम अपने फेस पर डैप डैप करके अच्छे से हम उसे ब्लेंड करेंगे और अपने नेक के एरिया को भी। विद द हेल्प ऑफ कॉम्पैक्ट हम अपने बेस को सेट कर लेंगे और अपने फेस को अपने नेक एरिया अपने ईयर्स को भी अच्छे से हम पूरा सेट कर लेंगे। अगेन मैंने SRF का आई शेडो पैलेट लिया और उसमें से मैंने लाइट और डार्क पर्पल कलर लेके उससे मिक्स एंड मैच करके अपने लोअर लैश लाइन को फिल किया बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, क्योंकि अगर डार्क हो जाता है तो फिर आपका आई मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मेरे पास सेम ब्लू कलर इस मैट में नहीं था तो मैंने उससे अप्लाई किया और ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है, आप देख सकते हो आईज पे। देन मैं यहाँ पे स्टेक विर्की का व्हाइट काजल अप्लाई कर रही हूँ अपने वाटर लाइन में और इसे हम पूरे अपने कॉर्नर तक अप्लाई नहीं करेंगे और ऐसे ही अपने दोनों साइड में अप्लाई कर लेंगे। और ये बहुत ही अफोर्डेबल काजल है, अगर आप ट्राई करना चाहते हो व्हाइट काजल तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। देन मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का आईलाइनर ले रही हूँ और इससे हम एक विंग आईलाइनर ड्रॉ करेंगे। और आईलाइनर लगाने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, पर इस बार का आईलाइनर जैसा मैं चाह रही थी वैसा ही निकल के आया, बहुत ही मस्त लुक आया है। अभी थोड़ा आपको थोड़ा सा वियर्ड लगेगा पर जब पूरा मेकअप कम्प्लीट हो जाएगा आपको ज़रूर आई मेकअप पसंद आने वाला है।
डन मैं एचआर का मस्करा यूज़ कर रही हूँ, जो ठीक ठाक मस्करा, बस मुझे जल्दी से एक ख़त्म करना था। और मस्करा लगाते टाइम अगर फेस पे आपके आईलाइनर या फिर कुछ भी आपके फेस पे लग जाता है, आप तुरंत उसे साफ़ ना किया करो। जब वो हल्का सूख जाए तब आप उसे साफ़ किया करो। अब देखना मैं लास्ट में कैसे साफ़ करती हूँ। और देन मैं वेगा का आईलेस कर्लर ले रही हूँ और उसे हम 10 सेकंड तक अपने आईलेस को आईलेस पे रख के कर्ल करेंगे। देन हम अप्लाई करेंगे फॉल्सेस। तो मैंने ऑफ कैमरा फॉल्सेस अप्लाई कर लिया है और अब हम ठीक करेंगे अपने मैसी फेस को। तो यहाँ पे मैं हल्का सा अपने हाथ पे कंसीलर ले रही हूँ और एक स्पंज की हेल्प से हम उसे डैब डैब करके, हल्का हल्का डैब डैब करके उसे क्लीन कर लेंगे। आप देख सकते हो कितना ईजिली आपके फेस से क्लीन भी हो गया और कोई दाग भी नहीं रहा। तो आप जब भी अगर आपके फेस पर ऐसा कुछ होता है तो आप ऐसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो। देन मैं स्विस ब्यूटी का मेकअप प्रो आई शेडो लेके उसमें से मैंने एक ब्राउन शेड पिक किया है और अपने मैं नोज़ को कंट्रोल करूँगी। पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, देन मैं एक स्पंज की हेल्प से अपने कंट्रोल को अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। मैंने पूरे फेस को कंट्रोलिंग नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने नोज को ही किया है। अब हम अप्लाई करेंगे अपना ब्लश। तो ब्लश के लिए मैंने ADS का ऑरेंज लिपस्टिक लिया है जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहा है ब्लश के लिए। तो मैंने अपने फिंगर्स की हेल्प से अपने फेस पे स्माइल करते हुए ब्लश लगा लिया है। देखो कितना मस्त कलर दे रहा है, पीची पीची सा, पीची टोन में हल्का सा दे रहा है। और हम इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और मैंने अपने नोज पे भी हल्का सा अप्लाई किया हुआ है। अगेन मैंने स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट लिया और उसमें से मैंने गोल्डन हाइलाइटर पिक किया और अपने ब्राउ बोन को और अपने आईज के इनर कॉर्नर को हाइलाइट किया है। देन मैंने सेम पैलेट में से व्हाइट हाइलाइटर पिक किया और अपने लिप्स को, अपने चिक्स को और अपने फोरहेड को अच्छे से हाइलाइट कर लिया है। देन मैंने लैक्मे का 925 पिंक लिपस्टिक लिया डार्क पिंक में, जो कि ब्लू कलर के साथ बहुत ही अच्छे से जा रहा था मेरे ड्रेस के साथ। और इस पर आप देख सकते हो कितना मस्त डार्क पिंक कलर है, एक स्वाइप में आपके लिप्स पे लग जा रहा है, बार बार अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है आपको। सो गाइस हमारा मेकअप कंप्लीट होता है। तो मैंने ब्लू कलर की चिकनकारी कुर्ती वेयर की और उसके साथ मैंने एक ब्लैक और गोल्डन कलर का चोकर पहना है और मैंने हेयर्स के साथ अपने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, मैंने सिंपल सा बन बनाया हुआ है। सो गाइस दिस इज माय फाइनल लुक एंड आई होप यू ऑल एंजॉय माय वीडियोस एंड लाइक माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।